जिमी, वेलकम टू जॉय ऑफ रिम्स। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी फेस्टिव सीजन सारे स्टार्ट होने वाले हैं, दशहरा, दिवाली सब आने वाले हैं। तो आप लोग भी अपने घर की सफाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही रहे होंगे कि कैसे अपने घर की सफाई करें। तो अभी मैंने नो ब्रोकर का होम क्लीनिंग सर्विस मैंने लिया हुआ है। तो मैंने जो इनका पैकेज जो चूज़ किया था वो है डीप क्लीनिंग सर्विस। तो डीप क्लीनिंग में क्या होता है कि पूरे घर की जो है फुल डे होम क्लीनिंग पूरी होती है, पूरे डीप में, जैसे वार्डरोब्स एंड ऑल सारे हो जाते हैं, सोफ़ा, पूरा बेड वगैरह सारी चीज़ें होंगी उसमें। तो इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे डीप होम क्लीनिंग कराई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है इनकी पूरी सर्विस। तो सुबह मॉर्निंग में मैंने 10 o'clock बुक किया था और 10 o'clock अराउंड ये लोग आ गए थे और 4 लोग आए थे। पूरे घर में बहुत अच्छे से सफाई हुई, 1 लोग बाथरूम में गए और 1 लोग किचन और फिर उसके बाद बेडरूम्स वगैरह में। ऐसे करके रात के 11 बजे तक पूरे मेरे घर की सफाई हुई और बहुत अच्छे से इन्होंने किया। तो आप भी ऐसे ही पूरी सर्विस ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग सर्विस होते हुए हैं इनके, जैसे बाथरूम क्लीनिंग आप अलग से करवा सकते हो और केवल आपको सोफ़ा क्लीनिंग कराना है तो वो भी करा सकते हो। और अभी जैसे कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, आप लोग साल भर में तो एक बार पूरा डीप होम क्लीनिंग तो होनी ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इस बार डीप होम क्लीनिंग की सर्विस मैंने चूज़ किया और जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे मेरे पूरे घर की सफाई हुई आप इस वीडियो में पूरा देख सकेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, नो ब्रोकर को बुक करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके नो ब्रोकर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल है जो नो ब्रोकर के थ्रू होती है, होम क्लीनिंग, पेंटिंग और जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ पे सारी मेंशन है। तो हम होम क्लीनिंग वाली सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे फुल होम क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, सोफ़ा क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग और वीकली क्लीनिंग भी यहाँ पे होती है। तो आपको जो भी कराना है आप उस पर क्लिक करेंगे और आप कौन सी सिटी में रहते हैं, जैसे मेरा बैंगलोर है तो बैंगलोर में मैं क्लिक कर दूँगी, और किस टाइप का होम क्लीनिंग आपको करवाना है तो यहाँ पे 1 BHK है तो आप 1 BHK में आप जा सकते हैं। फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है और फर्निश्ड अपार्टमेंट में आपका क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, आपको सोफ़ा इंक्लूड वगैरह कराना है कि नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है और प्राइस के साथ मेंशन्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक करा सकते हैं। और इंडिविजुअल हाउस का अलग प्राइस है, इंडिविजुअल हाउस में भी फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है उस हिसाब से आप बुक कर लेंगे। फिर गाइस, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10 o'clock और ये लोग 15 मिनट्स बिफोर ही आ गए थे जिस टाइम पे हम लोग ने बुकिंग की थी। और तो सारे इक्विपमेंट्स वगैरह ये लोग पूरा ले आए थे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत प्रोफेशनली ये लोग अपनी ड्रेस वगैरह सारे पहन करके आए हुए हैं नो ब्रोकर होम क्लीनिंग सर्विसेज का। और इनकी सर्विस स्टार्ट होने से पहले जो हमने बुकिंग की होती है उसमें एक OTP आया रहता है, तो उस OTP को हमें देना होता है। जैसे ही ये OTP हम देंगे उन्हें, वैसे ही हमारा क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है और मैं सारी चीज़ें इन्हें समझा रही हूँ कि कैसे कैसे मुझे क्लीनिंग करनी है, कहाँ कहाँ गंदा है, कहाँ कहाँ उनको पहले साफ़ करना है, स्टार्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं इन्हें समझा रही हूँ, फिर ये अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरी चिमनी कितनी ज़्यादा गंदी है और कितना ज़्यादा ऑयल इसमें है, और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कितना डिफरेंस है सफाई करने से पहले और सफाई करने के बाद में।
देना चाहती हूँ इनकी सर्विस को, अगर आप बुक कर रहे हैं अपने घर की सफाई करने के लिए तो कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करनी चाहिए। तो पहली जो टिप्स है कि आप जब भी अपने घर की डीप क्लीनिंग आप करवा रहे हैं तो उसके लिए आप जितनी जल्दी आप इनको बुला सकेंगे उतने अच्छे से इत्मीनान से मतलब सफाई पूरी हो सकेगी। अगर आप लेट कर देंगे तो इनको टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जो सर्विस का जो टाइम होता है वो तो आप जानते ही हैं, 10 to 11 तक रात के जो है ये कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं रुकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट बुलाएंगे 11 बजे 12 बजे तो इतने अच्छे तरीके से ये पूरे घर की सफाई आप नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप मेरा फ्लैट देख रहे होंगे, 3.5 BHK मेरा पूरा घर था और काफ़ी अच्छा स्पेशियस मेरा घर है, और मगर जितनी भी सफाई थी बहुत अच्छे तरीके से हुई। कुछ कुछ जगह जो है थोड़ा बहुत मिस आउट भी हो गया, मतलब मैं भी भूल गई उनको बताना क्योंकि इतना टाइम हो नहीं पाया। तो मैंने 10 o'clock अराउंड बुलाया था। अगर आप और पहले बुलाएंगे, जैसे 8 o'clock बुलाएंगे, 9 o'clock बुलाएंगे, तो जो मैंने जो मिस किया है वो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको दूसरी चीज़ का ये ध्यान देना है, जितनी भी आपके वैल्यूबल आइटम्स हैं उसको आपको पहले ही हटा के रख देना है, क्योंकि उनके सामने वो अचानक से इतने सारे लोग आते हैं फिर फटाफट सफाई करने में लग जाते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने वैल्यूबल आइटम्स को हटा नहीं पाओगे तुरंत तुरंत। तो इसलिए पहले ही अगर हटा करके सेलेक्ट करके आप रख लोगे, क्या आपको हटाना है, आपके ज्वेलरीज हैं या कुछ भी है, कुछ चार्जर वगैरह जो भी आपको हटाना है वो आप पहले ही हटा सकोगे। तो इसलिए आपको
ये सारी चीज़ें एक दिन पहले ही सारी चीज़ें हटा लेनी है और लिस्ट बना लेनी है कि सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करानी है। स्टार्टिंग में जितनी अच्छी आपको सफाई जो है अच्छे से ये करके दे देंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट लास्ट में अगर आप सोचोगे ना कि लास्ट में मैं ये करा लूँगी वो करा लूँगी, तो कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी मिस भी हो सकती है। तो इसलिए जो आपकी प्रायोरिटी है, मतलब अगर आपको किचन आपको डीपली अच्छे से पूरा क्लीन कराना है तो सबसे पहले आप किचन हो गया, बाथरूम हो गया, बेडरूम हो गया, वो सारी चीज़ें आप पहले ही करा दीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो लिस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं वो आप बाद में कराइए। और गाइज लास्टली मैं आपको एक और लास्ट टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने घर की डीप होम क्लीनिंग करा रहे हैं तो उसमें से एक रूम आप अपने साफ रखिएगा और अलग रखिएगा, उसे आप एकदम लास्ट में कराइएगा। क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं या तो आप खुद भी, अगर बच्चे नहीं भी हैं आपके घर में, आप खुद भी जो है अगर आपको दिन भर कुछ लेटना है या कुछ भी आपको करना है रेस्ट वगैरह तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि क्या होगा कि सारे ही रूम पूरे मेस्ड अप हो जाएंगे। तो अगर आपका ऑफिस चल रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक रूम अगर आपका साफ रहेगा तो उसमें क्या होगा कि बच्चे भी आपके खेल सकेंगे और आपको भी जो काम करना है वो आप कर सकोगे पूरा दिन के लिए। आपको भी नहीं लगेगा बर्डन कि मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ लेटूँ, कहाँ क्या करूँ, ऐसा नहीं लगेगा। इसलिए जो वो वाला रूम है उसे आप एकदम लास्ट में आप कराइएगा। तो उसे आप एकदम लास्ट में कराएंगे तो वो वाला रूम में आप सारे काम अपने कर सकेंगे। तो यही सारे मेरे कुछ कुछ टिप्स थे जो मैंने फॉलो किया और नो ब्रोकर से मेरा जो पूरा डीप होम क्लीनिंग का जो पूरा सर्विस था बहुत ही अच्छे से हुआ। तो ये सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली आपका डीप होम क्लीनिंग हो जाता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। चिल देन, ओके, बाय बाय।